नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट टाइम स्पिरिचुअल। आपके साथ मैं हूं रीना। शास्त्रों में ग्रहों के सेनापति और भूमि पुत्र कहे गए मंगल ग्रह ने गोचर कर लिया है। वो शुक्रवार शाम को कन्या राशि में प्रवेश कर चुके हैं। वह इस राशि में 3 अक्टूबर तक बने रहेंगे। मंगल का गोचर करना यूं तो सभी राशियों के लिए शुभ समाचार लेकर आता है, लेकिन कई बार यह कुछ राशियों के जीवन में संकट भी खड़ा कर देता है। इस बार 3 ऐसी राशियों के साथ ऐसा हुआ है। मंगल गोचर की वजह से उन्हें 1.5 महीने तक अनेक परेशानियां भुगतनी पड़ सकती है। आपको बता दें कि वह राशियां कौन सी हैं, इस संकट का कैसे समाधान किया जा सकता है, आइए जानते हैं। पहली राशि है कुंभ राशि। मंगल गोचर के दुष्प्रभाव की वजह से इन लोगों के लिए 3 अक्टूबर तक का समय नौकरी कारोबार में मुश्किलें लेकर आएगा। उन्हें काम धंधे को चलाए रखने में परेशानी झेलनी पड़ेगी। भाई बहन के साथ संपत्ति को लेकर विवाद हो सकता है। इस मुश्किल वक्त में आपको संयम से काम लेना होगा, वरना स्थिति हाथ से निकल भी सकती है। इसके बाद है सिंह राशि। इस राशि के लोगों को फालतू की बातों से दूर रहते हुए अपने कामों पर फोकस करना होगा। ऐसा करने से आपको नुकसान हो सकता है। जो लोग जॉब में लगे हैं उन्हें गॉसिप में ना पढ़कर अपनी परफॉर्मेंस सुधारनी होगी। आपकी खराब कम्युनिकेशन स्किल आपके लिए मुसीबत बन सकती है। पड़ोसियों के साथ विवाद हो सकता है। वृषभ राशि। मंगल से कन्या राशि से गोचर होने के साथ ही आपके लिए आर्थिक संकट का समय शुरू हो गया है। आपके खर्चे आमदनी की तुलना में ज्यादा बढ़ सकते हैं। आप लोग चुकाने में खुद को असहाय महसूस कर सकते हैं। जीवन साथी के साथ आपके संबंधों में तनाव आ सकता है। अपने गुस्से और वाणी पर नियंत्रण रखकर परिस्थिति का सामना करना होगा। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक कुछ विशेष उपाय करके मंगल गोचर के दुष्प्रभाव से बचा जा सकता है। ऐसे जातकों को रोजाना मंगल ग्रह के बीच मंत्र ओम अंगकाराय नमः का जाप करना चाहिए। साथ ही हनुमान चालीसा का पाठ भी करना चाहिए। जातकों को ग्रह दोष से बचने के लिए प्रत्येक मंगलवार को नजदीक के मंदिर में जाकर हनुमान जी के दर्शन और उन्हें लड्डू का भोग लगाना चाहिए। कहते हैं कि ये उपाय करने से बुरा वक्त धीरे धीरे अच्छे वक्त में बदल जाता है। अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे आने वाले वीडियोस के अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।